हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। बाल मेरे थोड़ी कुछ गड़बड़ गए। हम लोग जा रहे हैं एज यूजुअल, आज है सैटरडे तो जा रही हैं न्यू घर पे। एंड आज वहाँ होने वाली है बहुत सारी सफाई, मेजरली तो संदीप ही करेंगे बट मैं भी करवाऊंगी उनकी थोड़ी हेल्प। याद आ गया, छोटू ट्राइपॉड ले लेती हूँ, बड़ा तो नहीं ले जा सकती। ये मेरा छोटू ट्राइपॉड है जिसे मैं थोड़ा बहुत कैरी करती हूँ। एंड हेयर टक करे हुए हैं पूरे क्योंकि गर्मी बहुत है, बहुत एक्सट्रीम्स वाली नहीं है बट गर्मी तो है। एंड इस तरह से मैंने ये कुर्ती पहनी है। वैसे मैं इसे स्किप कर रही थी क्योंकि इसके अंदर इनर पहनना पड़ता है क्योंकि और गर्मी में डबल डबल कपड़े पहने नहीं जाते हैं, बट आज ठीक ठाक मौसम है तो इसलिए। एंड उसके अलावा मैं अपने मायके जाऊंगी, लंच मम्मी ने बनाएंगी, उन्होंने बोला लंच यहीं आके करना। तो बस रेडी हो गए, संदीप शौर्य नीचे पहुँच गए, मैं भी जा रही हूँ। शौर्य को दूध बना लिया है। एक सांस में मैंने सब बोला, मेरी सांस भूल गई। मैं कुछ ढूंढ रही थी, क्या ढूंढ रही थी सच्ची याद नहीं आ रहा मुझे कुछ ले। हाँ, ये रहा मेरा फ़ोन, दूसरा वाला फ़ोन ढूंढ रही थी मैं, ये रहा। आज ब्रेकफास्ट में मुझे पोहा बनाना था बट संदीप ने कहा चलो छोड़ो, रास्ते में बेड़े वगैरह खा लेंगे। तो मैं नीचे से ये नमकीन लाई थी। ये रहा फ़ोन, ट्राईपॉड, शौर्य का हैंकी नहीं लिया मैंने, चलो मेरे पर्स में है। और आज घर पर पार्लर वाली भी आएगी तो देखते हैं, अगर मौका लगा तो मैं फेशियल एंड वैक्सिंग कराऊंगी। गर्मी हो रही है, जल्दी चलते हैं। हम यहाँ रुके थे पेट्रोल भरवाने। एंड ये देखिए पेट्रोल पंप का जो एम्प्लॉय है कितने मज़े से नोट गिर रहा है। एंड मैं उसकी छुप के थोड़ी सी क्लिप बना रही थी, मुझे ये भी डर लग रहा था कहीं वो टोक ना दे, तो मैं छुप छुप के बना रही थी। बट ये जो मूवमेंट था ना, बड़ा फ़नी सा लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा लाओ इसको कैप्चर कर लेते हैं एंड आपके साथ भी शेयर करते हैं। यहाँ हम आ चुके हैं फर्नीचर की शॉप पे डबल बेड वगैरह देखने, तो यही डबल बेड वो हमें दिखा रहे हैं। बहुत छुपके मैं क्लिप्स बना रही हूँ क्योंकि वो अलाउ नहीं करते हैं, वो तुरंत मना कर देते हैं और लिखा भी होता है। डाइनिंग टेबल भी देख रहे हैं बट अभी हमारा बजट नहीं है कि हम डाइनिंग टेबल ले पाएँ। लेट्स सी कब ले पाएंगे, 1-2 महीने बाद या 6 महीने बाद या फिर बाद में कभी और। बट डबल बेड तो हमें लेना ही है, चाहे बनवाएं चाहे लें, तो उसी का एक आइडिया लेने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। एंड बहुत अच्छा कलेक्शन था, काफ़ी कुछ हमें पसंद भी आया। बट लेटर ऑन हमने डिसाइड किया है कि बनवा ही लेते हैं, बनवा के जो मज़बूती मिलेगी वो शायद मार्केट से लेने में नहीं मिलेगी। बट देखते हैं, जब तक लकड़ी नहीं आती है तब तक डिसीजन हमारा पेंडिंग में ही रहेगा एंड प्रोसीजर चलता रहेगा। यहाँ पे मुझे चोट लग गई, अब कैसे लगी ये मैं आपको आगे बताऊंगी। एंड तभी लगी है तो ऑब्वियसली मुझे दर्द हो रहा है, थोड़ा चलने में भी दिक्कत। सो गाइस, संदीप अभी गए हैं कुछ सामान लेने, आई डोंट नो पता नहीं क्या लेने गए, बट मैं नहीं गई, किडनी में बार बार निकलना। और मैंने भी आपको दिखाया मेरे पैर में लग गई, पता नहीं कैसे स्क्रैच हो गया। एक पाइप था उसके अंदर वायर थी, मुझे लगा नॉर्मल पानी का पाइप होगा बट उसके अंदर कोई वायर थी, उससे स्क्रैच हो गया। अब मैं देखती हूँ, टेटनस का इंजेक्शन एंड ऑल दैट अगर लगाना पड़ा तो। वैसे तो मेरा कुछ इंजेक्शन वगैरह में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है बट थोड़ा सा दर्द हो रहा है, वो तो मैं बोरों ने लगा लूँगी घर जाके। और देखा आपने, हमने डबल बेड देखे, ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले पाए क्योंकि वो लोग क्लिप नहीं लेने देते हैं, टोक देते हैं कि कॉपी करने के सेंस में। आई अंडरस्टैंड, उनका भी वो है। हमारे यहाँ तो कारपेंटर वर्क कर रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है बनवाएं या लें, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। एटलीस्ट लेने में ये होता है जो दिख रहा है वो सीधे उठ के घर आ जाएगा, बनवाने में ये होता है कि पता नहीं क्या बनेगा, अच्छा बना नहीं बना। और बड़ा बेड चाहिए हमें, संदीप की हाइट के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा बड़ा बेड चाहिए, हमारे पास बड़ा गद्दा है। तो लेट्स सी, अभी हम जाके कारपेंटर को दिखाएंगे। मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ले ली हैं, थोड़ा चोरी करी है मैंने, उसको पूछते हैं कि अगर घर पे बनवाएंगे तो क्या कॉस्टिंग पड़ेगी। और बाकी ये है कि हमें अपना डबल बेड ट्रैवल करना है, मीन्स ले जाना है, तो बहुत भारी भरकम भी नहीं बनवा सकते हैं, इतना भारी भरकम उठा धरी में। और घर पे जो बनता है वो काफ़ी हैवी बनता है, अच्छी क्वालिटी का बनता है। तो देखते हैं, अभी प्लॉट पे ही जा रहे हैं। एंड आज संदीप को वहाँ पे बहुत काम है, कह रहे हैं मुझे बिल्कुल मत बोलना 2 दिन सैटरडे संडे, लेकिन एक दिन शाम को तो मैं कहीं ना कहीं उन्हें ले ही जाऊँगी। और शौर्य एज यूजुअल अपना फ़ोन में लग रहा है। मैं बहुत दुखी हूँ इस लड़के से, एक्सट्रीम्स में दुखी हूँ मैं, बस मैं उल्टी गिनती गिन रही हूँ। जल्दी से हम यहाँ से जाएंगे और इसका स्कूल में एडमिशन होगा।
और संदीप गए हार्डवेयर की दुकान पे, इधर दिख रहा है आपको, ये देखिए इधर कहीं गए हैं। मैंने कहा मैं नहीं जा रही, आप जाओ। हम आ गए न्यू घर में, अभी हैं ऊपर एंड ये है मेरा पूरा पोर्शन, लॉबी डाइनिंग रूम आप देख सकते हो सब कितना फैला पड़ा है। यहाँ पर खूब काम चल रहा है। ये सेकंड रूम है, ये फर्स्ट रूम मेरा मास्टर बेडरूम है ये, एंड इसके बगल में है किचन। ये मैं अभी आपको नहीं दिखा रही, इसका मैं अलग से टूर बनाऊँगी, कैसे वार्डरोब्स एंड ऑल दैट है सब अलग से शेयर करूँगी। वहाँ से फ्री होकर के, जल्दी फ्री होकर के हम आ गए मायके, एंड यहाँ मम्मी ने बनाया ये यम्मी यम्मी लंच। फोन लेके भाग गया, चलो खाओ खाना, यम्मी यम्मी खाना, जो ये आपके लिए लगा दो। अच्छा हाँ मैं खा रहा हूँ। खा रहे हो, कहाँ पे खा रहे हो? अपने घर खा रहा हूँ। और क्या देख रहे हो टीवी में? ये खतरा खतरा डोरेमोन आ नहीं रहा था तो मैंने ये चला दिया, इतनी गर्मी लग गई। सो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी देर पहले आ चुकी हूँ अपने मायके, एंड लंच वगैरह हमने कर लिया, आपने देख ही लिया होगा। एक्चुअली ब्यूटिशियन आई हुई है, सब लोगों का फेशियल हो रहा है, तो मम्मी ने कहा तू भी करा ले। मैं अपना एलोवेरा जेल लेके आई थी जस्ट हर्ब्स का, तो मैं जा रही हूँ फेस वॉश करने, वैक्सिंग कराऊंगी और फेशियल कराऊंगी। क्लिप नहीं ले पाऊंगी क्योंकि शी इज़ नॉट कम्फर्टेबल, तो आपको उसके बाद मिलूंगी। एंड इसके बाद जब आपको मिलूंगी मैं लाल लाल गाल होंगे, क्योंकि जिस दिन मैं फेशियल कराती हूँ उस दिन मेरे गाल लाल हो जाते हैं, क्योंकि हैवी हैंड्स थोड़े चलते हैं ना, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, बट बाद में थोड़ी ग्लो आ जाती है। तो मैंने कहा मौका, आपने देखा होगा मैंने कभी ये फेशियल वगैरह नहीं कराती, मुझे मौका नहीं पड़ता है और मेरे को कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। अभी सब लोग करा रहे हैं तो मैंने कहा चलो मैं करा लेती हूँ। तो बस मैं फेस वॉश करने जा रही हूँ, पेट भर के खाना खाया था, यम्मी खाना था ना। हाँ, ये मेरा घर, मेरा बाथरूम, ऑल दैट। ये ड्रेसिंग टेबल चेंज हो गई है, यहाँ मेरी कंप्यूटर टेबल रहती थी, और ये शोकेस तीन बार बन चुका है, इसमें दीमक लग गई है। क्या दिखाओ, मेरा मेरे भाई का फोटो और इधर मेरा फैमिली फोटो, ये शादी का, शादी की एल्बम भी जल्दी शेयर करूँगी। ये है मेरा रूम। गुड इवनिंग, अभी मैं सो के उठी हूँ एंड द डेविल इज स्लीपिंग। बहुत मुश्किल से सोया है, फेशियल कराया था तो बहुत सस्ती आ गई थी, आज मम्मी भाभी हम सब ने फेशियल कराया, एंड दिस इज़ माय नेचुरल फेस। अब थोड़ी पिंकिश कम हो गई है क्योंकि मैं सो गई थी, एंड एक दो दो घंटे हो गए कराए हुए, तो आईब्रोज नहीं बनवाई हैं, सिर्फ वैक्सिंग कराई थी। और बहुत अच्छी नींद आई, यहाँ के बड़ा अच्छा लग रहा है, बस काम धाम तो होता नहीं, खाओ पियो सो जाओ। मज़े से लंच किया था, बना बनाया लंच मिल गया, सिर्फ मम्मी के साथ थोड़ी सी हेल्प करा दी थी मैंने, पूरी बेल दी थी, सेक मम्मा ने दी, फिर बाकी भाभी ने सेक दी। अभी मम्मी चाय बनाने गई है, मैंने मना करी है चाय नहीं पी रही, पेट बहुत भर रहा है बहुत ज़्यादा। पूरी वगैरह मैं कभी कभार खाती हूँ और आज खाई तो काफ़ी अच्छे से खा ली, एंड लेट्स सी फेशियल का क्या इम्पैक्ट आता है। मेरा जस्ट हब्स का एलोवेरा जेल है, मैं उसी को यूज़ करती हूँ एज अ मसाज क्रीम, एज अ नाइट क्रीम, हर चीज़ मेरी वही चलती है। फेशियल तो मैंने शायद साल से महीने बाद कराया होगा। चाय नहीं लाई? अच्छा एक्चुअली लेबर लगी हुई है, मम्मी के टेरेस में कुछ काम चल रहा है, तो उनकी चाय देंगी फिर अपनी बना के लाएंगी, तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस, श्वारिस सो के उठ गया है, एंड आज हम दोनों माँ बेटों के लिए कुछ सरप्राइज था। ये देखिए पूरा थैला भर के आए हैं गिफ्ट, उसमें माँ के कितने, बेटे के कितने पता नहीं। शौर्य के मामा गया था USA तो हमारे लिए गिफ्ट्स लेके आया है, आई एम वेरी एक्साइटेड। ऊपर ही मुझे कुछ दिख रहा है तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि क्या क्या आया है हमारे लिए। ठीक है शौर्य, कौन भेजा आपके लिए गिफ्ट? चिक्की मोमो ने भेजा। ओहो ओहो, हाँ देखो गिफ्ट क्या क्या है आपके लिए, लाओ इसको दे दो मुझको, आटा लेके आया था। कार्ड, ओ माय गॉड, शौर्य के लिए तो कितने सारे गिफ्ट आए, अरे वाह, क्या क्या है? अरे आप ही ओपन कर लो, मैंने इसीलिए ओपन नहीं किए थे। अरे वाह, नहीं नहीं अभी नीचे मत रखो, अभी दिखाओ। और ये टेडी आया है, ये जो टेडी डॉगी, सो क्यूट डॉगी वाला, आपके पास डॉगी नहीं था ना?
वेरी नाइस। स्पाइडरमैन, अरे वो हो गया उसका, तो उसने कहा तो मैंने लगा दिए। ये रिमोट, ये किसी कार का रिमोट है, इसका तो नहीं है ये रिमोट से। भाई राम, मामा कितने गिफ्ट्स लाया है, मैंने इसीलिए तब से नहीं खोला, मैंने कहा बच्चा खुद खोलेगा। अरे वाह, टैंक खिला देना, बाद में खिला देना। हाँ प्ले करना है। ये कैसे घूमता है, ये कैसे घूमता है, ये ऐसे ही है बस। तो ये कार है रिमोट वाली, और ये हैं दो दो। बेटा तेरा मामा ना, और क्या आया है, एक गिफ्ट। इसमें तो मुझे लग रहा है सिर्फ चौरे चौरे का, ये मम्मी का तो कुछ है ही नहीं। बेटा सब तो ये आप ही का है। हाँ अरे रे, शौर्य के कपड़े, ये क्या आया है, ये वुलन है शायद कुछ, ट्रैक सूट टाइप का। वाओ साइज भी बिल्कुल सही है। हाँ ये भी पापा आएंगे, पापा को दिखाएंगे, पापा प्ले कराएंगे। हाँ ब्लैक टी शर्ट पूरा सेट बना के लाया है मामा, ब्लैक टी शर्ट विद दिस पैंट। सो ये हैं शौर्य के सारे गिफ्ट, और मुझे लगा था मेरा भी कुछ होगा, बट सारा निकला शौर्य का। अच्छा कहीं है, कहीं मेरा अलग है क्या, अच्छा अच्छा कहीं और रखा है, कहीं और खजाने में। दो पेयर ऑफ क्लोथ्स, टेडी, ये देखो। शौर्य हैप्पी, बताओ तो से आप हैप्पी हो, बोल नहीं रहे हो। अच्छा मामा को थैंक यू तो बोल दो। थैंक यू मामा। तो फ्रेंड्स मेरे लिए जो लाया है, यू विल नॉट बिलीव क्या लाया है, बीपी की मशीन। मेरे लिए बीपी की मशीन है, एंड मम्मी के लिए शुगर की। मामा को थोड़ा माइनर डायबिटीज है, तो इस वजह से उनकी वो शुगर की मशीन एंड ऑल दैट है। उसके अलावा मेरे लिए लाया एक पर्स, ये है पर्स, और कुछ और भी है जो मुझे अभी नहीं दिया गया है। वो राखी का गिफ्ट है, तो वो मुझे राखी पे मिलेगा, मेरे लिए भी सरप्राइज है एंड आप लोगों के लिए भी। तो जब मिलेगा मुझे तो मैं आपको दिखाऊंगी जरूर कि क्या मिला है। तो जो बेसिक था वो उन्होंने मुझे दे दिया है, और जो बेसिक नहीं है वो उन्होंने मुझे अभी नहीं दिया है। सीधे चलो भैया, अभी तो चौराहा क्रॉस कर दो, थोड़ा आगे जाके जो पहला टर्न है। हाँ 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 बुटीक पे। अब इवनिंग में आई हूँ मैं बुटीक पे, ये है श्रृंगारिका बुटीक गोविंद नगर में। तो यहाँ से कोई मुझसे पूछ रहा था तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा प्राइजी ज़रूर है लेकिन बहुत स्टाइलिश एंड अच्छे कपड़े बनाती हैं। आप देख ही सकते हैं कितना बहुत अमेजिंग इनके पास कलेक्शन है, एंड बहुत अच्छे से आपको समझती हैं, आप जैसे बोलोगे उसके अकॉर्डिंग ये बनाएंगी। तो मैंने एक झटकी से एक ड्रेस ली थी, वही मैं स्टिच करा रही हूँ अपने गृह प्रवेश के फंक्शन में पहनने के लिए। आपने शूट कर दिया ना अंकल को, इसलिए आई एम बैक होम। शौर्य का दूध बॉइल कर रही हूँ, बहुत रोया, बहुत मुश्किल से आया मेरा बच्चा। मैं अपनी नानी का बेटा हूँ, ये मेरा घर है, मुझे नानी के पास रहना है। नानी को कार में बिठा दिया, नानी डोर क्लोज करो, बहुत दुख होता है मुझे लेकिन क्या करें भाई, सबको अपने अपने घर जाना होता है, तो लेके आना पड़ा। फिर नानी घर के पास उसका न्यू घर बन रहा है, फिर तो आता जाता रहेगा, आते जाते रहें ठीक है, लेकिन हर समय कोई किसी के घर पे नहीं रह सकता है। बच्चा है वहाँ तो और उधम करता है, उसको और आज़ादी मिलती है। तो मेरे को लगता है बच्चा नानी दादी दादा दादू ये सब अपना प्यार अपनी जगह है, बच्चों को थोड़ा सा डिसिप्लिन थोड़ा सा लिमिट होनी चाहिए, नहीं तो बच्चे नानी दादी इन सबके मुँह में बिगड़ जाएंगे। ये मेरा अपना पर्सनल थॉट है एंड मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करूंगी। नानी दादी मामा मामी सब अपनी जगह है, बट भैया बच्चे को लेकर के थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो ये सब हमारा हो गया, वहाँ से लाए थे हम आइसक्रीम, अभी रास्ते में नानी ने पैसे दिए थे बहलाने के लिए कि अच्छा आइसक्रीम दिला देना आइसक्रीम दिला देना। तो थोड़ी देर रोया कार में, उसके बाद बहल गया, फिर हमने आइसक्रीम लिए छोटी छोटी चॉक बार्स, अभी पहले भी खा चुका है एक आइसक्रीम, बट बहलाना था तो फिर से दिलानी पड़ी। खा रहा है वो, नानी संदीप भी खा रहे हैं, मैं अभी बाद में जाके खाऊंगी। मैंने कहा जल्दी से व्लॉग एंड करूँ, फेस वॉश करूँ, चेंज तो कुछ खास करना नहीं है मुझे, ऐसे सिंपल कपड़े पहने ही पहन के सो जाऊंगी, बस फेस वॉश करूँ, इसका दूध वगैरह का काम निपटाती हूँ एंड आपको मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। एंड हाँ, मैंने सोचा था इसमें मैं घर की क्लीनिंग शेयर करूंगी, बट मैं वो नहीं कर पाई क्योंकि शौर्य दादी दादे मतलब हमारे न्यू घर पे नहीं रुका,
उसने आफत कर दी नानी घर तो मैं भी नहीं रुक पाई और उसके बाद मैं फिर जा नहीं पाई। तो संदीप ने हाफ क्लीनिंग आज करी है, हाफ क्लीनिंग कल करेंगे, वो मिल कर रहे हैं तो अब उन्हीं को करने दो, मेरे बस का नहीं है काम धाम। तो बस इस तरह से आज का ब्लॉग ख़त्म हुआ। बहुत सारे गिफ्ट्स आ गए चौधरी के लिए, अब संदीप को भी दिखाएंगे वो गिफ्ट्स। तो अभी के लिए करते हैं इस ब्लॉग को एंड। बाय बाय, गुड नाइट।